बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए भी आप पता कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होते ही आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होने लगते हैं जिससे आपका शरीर खुद ब खुद बता देता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। शरीर में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो लक्षण आज हम आपको बताने वाले हैं तो ज़रूरी नहीं वो लक्षण सारी महिलाओं में दिखे, क्योंकि कुछ महिलाओं में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और कुछ महिलाओं में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। जो लक्षण आज हम आपको बताएंगे तो उन्हें देखकर आप बिल्कुल कन्फर्म नहीं कर सकते कि आपको प्रेगनेंसी है, लेकिन अधिकांश महिलाओं में ये लक्षण दिखाई देते हैं। लगभग 80% महिलाओं में ये लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होने लगते हैं जो खुद ब खुद आपके शरीर में दिखने लगते हैं, और लगभग 20% महिलाओं में ये लक्षण कुछ और वजह से होने लगते हैं, यानी कुछ और वजह से दिखने लगते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है तो उसको आपको प्रेगनेंसी किट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना प्रेगनेंसी टेस्ट के आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार जो लक्षण होते हैं वो किसी और वजह से भी हो सकते हैं। तो क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है? तो उसमें सबसे पहला लक्षण होता है, यानी सबसे मुख्य लक्षण जो होता है वो होता है मिस्ड पीरियड, यानी पीरियड का ना आना। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आपका सबसे पहले पीरियड मिस हो जाएगा, यानी आपका पीरियड नहीं आएगा। लेकिन आप अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तो आप बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो सकते कि आपको प्रेगनेंसी ही है, क्योंकि कई बार पीरियड किसी और वजह से भी मिस हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा लक्षण होता है मॉर्निंग सिकनेस, यानी उल्टी होना या जी मचलाने जैसी इच्छा होती है। इसे मॉर्निंग सिकनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकांश यह सुबह उठते ही आपको उल्टी या जी मचलाने जैसी इच्छा होती है, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट रहता है तो प्रेगनेंसी के समय आपको उल्टी या जी मचलाने जैसी इच्छा सुबह सुबह ज़्यादा होती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सुबह ही हो, या दिन में कभी भी आपको उल्टी या जी मचलाने जैसी इच्छा हो सकती है। तो प्रेगनेंसी का दूसरा लक्षण आपका ये भी हो सकता है। इसके बाद तीसरा लक्षण होता है हेडेक, यानी सिर में दर्द होना। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आपके शरीर में कुछ हार्मोन होते हैं, उनमें बदलाव होने लगता है, उनका इम्बैलेंस होने लगता है, इसके वजह से भी आपको सिर में दर्द हो सकता है। तो तीसरा लक्षण आपका सिर में दर्द होना भी आपकी प्रेगनेंसी का लक्षण हो सकता है। इसके बाद अगला लक्षण होता है योनि से सफ़ेद पानी आना, यानी वाइट डिस्चार्ज आना। तो प्रेगनेंसी कंसीव होते ही कई लोगों में, कई महिलाओं में सफ़ेद पानी आने लगता है, यानी वाइट डिस्चार्ज आने लगता है, जो कि प्रेगनेंसी कंसीव होने का एक लक्षण हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं अगर आपको सफ़ेद पानी आ रहा है तो आपको प्रेगनेंसी ही कंसीव हो गई हो सकता है किसी और वजह से भी आपको हो सकता है ये। इसके बाद अगला लक्षण होता है स्तनों में भारीपन होना या छूने पर दर्द होना। तो प्रेगनेंसी जैसे ही आपको कंसीव होती है, यानी गर्भ जैसे ही ठहरता है आपका, तो आपके शरीर में कुछ जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन होते हैं उनमें बदलाव होने लगता है, उतार चढ़ाव होने लगता है, तो उसके वजह से आपको स्तनों में दर्द हो सकता है। मोस्टली जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसके स्तर के बढ़ जाने से आपको स्तनों में दर्द और भारीपन महसूस हो सकता है। इसके बाद अगला लक्षण होता है थकान होना, कमजोरी होना या चक्कर आने जैसी भी समस्याएं होने लगती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है और आपको थकान भी हो सकती है। तो ये भी आपका प्रेगनेंसी का एक लक्षण हो सकता है। इसके बाद आता है आपके खाने में रुचि या अरुचि होना, क्योंकि खाने का जो स्वाद होता है वो बदलने लगता है। आपको जो चीज़ें पहले पसंद थीं लेकिन अब वो पसंद नहीं रहती, या उन्हें देखकर या खाने से आपको उल्टी या जी मचलाने जैसी इच्छा होने लगती है। लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसे रुचि हो जाती है कि जो आपको पहले पसंद नहीं थी लेकिन अब वो खाने की इच्छा होती है, तो आपके स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी आपका
प्रेगनेंसी ठहरने का यानी गर्भ ठहरने का एक लक्षण हो सकता है। इसके बाद अगला लक्षण होता है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। तो प्रेगनेंसी के समय जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन होते हैं उनमें उतार चढ़ाव होता रहता है, इसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मोस्टली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसके स्तर के बढ़ जाने से यानी उसका लेवल होता है वो बढ़ जाता है, यानी प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो आपके शरीर में बढ़ जाता है, तो उसके वजह से आपको कब्ज की समस्या हो सकती। तो ये भी आपका प्रेगनेंसी का एक लक्षण हो सकता है। ये तो थी आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी के लक्षण। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, यानी कुछ लोगों की प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, कुछ लोगों की एबनॉर्मल होती है। एबनॉर्मल मतलब होता है कि आपका जो गर्भ है वो बच्चेदानी में ना ठहर कर यानी प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना होकर बच्चेदानी के बाहर मोस्ट कॉमनली आपके फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकती है, तो ये एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है यानी गर्भ ठहरता है तो उस समय जो पुरुष के स्पर्म होते हैं यानी शुक्राणु होते हैं उनको फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है, क्योंकि अंडा होता है वो अंडादानी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है और वहीं पर स्पर्म यानी शुक्राणुओं को पहुंचना होता है। तो वहीं पर दोनों का मिलन हो जाता है, यानी अंडे में जो स्पर्म होता है यानी शुक्राणु होता है वो अंडे में प्रवेश कर जाता है, तो वहीं से निषेचन की क्रिया शुरू हो जाती है यानी गर्भधारण की क्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। फिर जो निषेचित अंडा होता है यानी फर्टिलाइज जो एग होता है वो वापस बच्चेदानी में आकर बच्चेदानी की दीवार से चिपक जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो फर्टिलाइज एग होता है वो वापस बच्चेदानी में ना आकर फैलोपियन ट्यूब की दीवार से ही चिपक जाता है, तो उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो उन केसेस में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो नॉर्मल प्रेगनेंसी से कुछ अलग होते हैं। जो लक्षण हम आपको बताने जा रहे हैं उस पर आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको ये लक्षण तो नहीं है। तो इसमें सबसे पहला लक्षण होता है पेट के निचले हिस्से में बहुत तेजी से दर्द होना, यानी जब आपको प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में होगी यानी बच्चेदानी के बाहर होगी तो आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत तेजी से दर्द होता है। और इसमें दूसरा लक्षण होता है वेजाइनल ब्लीडिंग, कि आपको योनि से रक्तस्राव बहुत तेजी से आता है या बहुत ज़्यादा आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको वेजाइनल ब्लीडिंग होती है योनि से रक्तस्राव होता है तो आपको जो प्रेगनेंसी है वो एबनॉर्मल है, यानी आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इसके बाद होता है कि चक्कर आना या फिर कभी कभी महिला बेहोश भी हो सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो बिना देरी किए आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। लास्ट में आपको एक बात और बता देते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है तो आप प्रेगनेंसी किट का ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि बिना टेस्ट के आप ये पता नहीं कर सकते कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।